Bark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कथित शराब घोटाले मामले में 6 महीने के बाद अब संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे। उन्हें कोर्ट ने नियमित जमानत दी है। इस मामले को लेकर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं और इस कड़ी में कल्पना सोरेन, जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का भी रिएक्शन सामने आया है। हेमंत सोरेन भी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और वो भी इस वक्त जेल में है। कल्पना सोरेन ने संजय सिंह की जमानत को लेकर क्या कहा है वो आपको बताते हैं। कल्पना सोरेन ने ये लिखा है, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने अन्यायपूर्ण कारावास के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती है। ये सत्य और संघर्ष की जीत है, ये इंडिया की जीत है। श्री संजय सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी तथा उनके परिवार जनों को हार्दिक बधाई और जोहार। कल्पना मुर्मू सोरेन। तो कल्पना सोरेन साफ तौर पर ये कह रही हैं कि ये संघर्ष की जीत है, ये सत्य की जीत है और ये इंडिया की जीत है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के तरफ से भी कई रिएक्शंस आए हैं संजय सिंह की जमानत के बाद और इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं उनके नेताओं की ओर से भी संजय सिंह की जमानत के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया जा रहा है और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला जा रहा है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।